हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुवानी। मेरा नाम मनीष और गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट ऑफ कैंपस हायरिंग की, जो कि डेलॉइट के अंदर है। एंड गाइस, ये हायरिंग है ये एसोसिएट एनालिस्ट की पोजीशन के लिए। सो एक एक डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस तरह की काफ़ी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सो गाइज, ये हायरिंग है। सो ये हायरिंग है हैदराबाद ऑफिस के लिए। एंड ये हायरिंग है, इसका लेवल है एसोसिएट एनालिस्ट, रोल इसका लर्निंग एडमिनिस्ट्रेटर का रहने वाला है। सो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि बेसिकली एनालिस्ट की प्रोफाइल में क्या काम करना पड़ता है। सो एनालिस्ट की प्रोफाइल एक टाइप ऑफ यू कैन से सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट के लिए होती है। सो जहाँ पर आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, वर्क यू विल डू, सो प्रोवाइड डे टू डे सपोर्ट ऑन डेलॉइट लर्निंग प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइज, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है डेलॉइट का। सो इसके ऊपर आपको अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। उसके बाद आपको एक्सपर्टाइज सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, कैटलॉग मैनेजमेंट सेशन, रोस्टर मैनेजमेंट अलोंग विद एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग टू द क्लाइंट्स। सो गाइज, फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीम के अंदर 10 लोग हैं, सो उसके अंदर एक एनालिस्ट को अलोकेट कर दिया जाता है। सो उसके बाद उसका उनका काम हो जाता है कि वो रोस्टर प्लानिंग होती है जितनी भी पूरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, लाइक कि किसको किस टाइमिंग में काम कराना है, किन किन टास्क पे काम कराना है। सो उन सारी चीज़ों का काम होता है, वो एक टाइप ऑफ एनालिस्ट का काम होता है। सो उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको एक उनका एक सेंटर हब रखना। सो ये इस तरह के काम हो जाते हैं एक एनालिस्ट के। सो अब बात करते हैं कि कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। सो गाइज, यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक क्वालिफिकेशन के अंदर ग्रेजुएशन को मांगा हुआ है। अगर आप फ्रेशर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक साल तक भी एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस हायरिंग। उसके बाद स्किल्स में गाइज, यहाँ पर आपकी वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके ईमेल एटिकेट की नॉलेज होनी चाहिए आपको। उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एक्सेल की, एंड आप यू मस्ट बी एबल टू रीड डेटा एंड यूज़ दी एक्सेल। उसके बाद लाइक एक्सेल में जैसे सॉर्टिंग, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, फिल्टरिंग, सो इस तरह के ऑपरेशंस जितने भी होते हैं सो आपको आनी चाहिए। उसके बाद शुड हैव एक्सपीरियंस ऑन हैंडलिंग केसेस एंड टिकेट्स। तो फॉर एग्जांपल कोई अगर टिकट रेज होके आती है आपके पास, तो आपको यू मस्ट अवेयर ऑफ कि आपको वो उसको कैसे रिजोल्व करना है। उसके बाद गाइज, आपके पास शुड हैव एबिलिटी टू टीम विद अदर्स। सो ये पॉइंट मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो शुड हैव एबिलिटी टू इंटरेक्ट वेल विद इंटरनल क्लाइंट्स एंड अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट्स। सो जितने भी आपके पास लाइक क्लाइंट्स होते हैं, तो उनके साथ आपको डिस्कशन करना है, इंटरेक्ट करना है उनके साथ, और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, उन रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है। लेटर ऑन आप उनके केसेस बनाएंगे एंड आई मीन जीराज बनाएंगे, उनके टिकट्स बनाएंगे एंड आप डेवलपर्स को असाइन कर सकते हैं। सो ये टास्क भी टाइप ऑफ एनालिस्ट का हो जाता है। उसके बाद आप किस टास्क को कब करना है एंड किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, सो वो भी एक टाइप ऑफ एनालिस्ट का काम हो जाता है। सो ये बेसिकली स्किल्स थी जो कि रिक्वायर्ड थी। उसके बाद प्रीफर्ड में गाइज, अगर आपके पास एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने की बेसिक नॉलेज है, तो आपको प्रीफर किया जाएगा। एंड सो गाइज, मेनली ये डिटेल्स थी। उसके बाद इनकी रिपीटेशंस दी हुई है, सो आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सो उससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं इसके पैकेज की। सो गाइज, यहाँ पर इन डेलॉइट ने अपने एंड से कोई भी पैकेज को ओपन नहीं किया है, बट जो एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए जनरली जो पैकेज होता है जो डेलॉइट ऑफर करती है, सो वो 4.5 से लेके 4.8 से लेके 5 के अप्रोक्स होता है। सो ये बेसिकली पैकेज रेंज आप एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको इस ओपनिंग के लिए अप्लाई करना है, सो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। एंड अप्लाई नाउ पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप ये बेसिकली आपसे दो ऑप्शंस पिक करेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र है तो आपको लॉगिन करना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड की हेल्प से। अगर आप न्यू यूज़र है तो एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा न्यू यूज़र का या फिर रजिस्ट्रेशन का, सो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पर, जिसमें कि आपको अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड्स डालने हैं, के पासवर्ड्स को दोबारा से डालना है एंड ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद आप रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको मिल गया। उसके बाद आपको लॉगिन करना है जाके, उसके बाद सिंपली फॉर्म फिल करना है। सो इतना सा प्रोसेस था। होपफुली आगे का प्रोसेस आप कर लेंगे इजिली। बस ये चीज़ देख लेना आप यूज़र नेम में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है, सो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। उसके बाद पासवर्ड्स वगैरह, सो ये पूरा आप पढ़ लेना सही से, एंड आई होप बाकी तो आप कर लेंगे। उसके बाद इस हायरिंग का लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू गाइस कैन पिक दिस लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड बाकी काम आप कर लेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही।
आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। एंड गाइज, घंटा बटन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपसे कोई भी आगे डलने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडवानी। जय हिंद, जय भारत।